हैं विराट 24 न्यूज में स्वाति। खबर रीवा जिले से है जहां राशन की कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से NFSA अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों की EKYC एवं डेटाबेस में मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए 19 अक्टूबर से 30 नवंबर तक अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा अभियान में समय सीमा में किए जाने वाली कार्यवाही के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को दायित्व सौंपे गए हैं। अभियान में दुकानवार, नोडल अधिकारी, ग्राम पंचायत के पदेन सचिव, रोजगार सहायक या नगरीय क्षेत्र के पदेन वार्ड प्रभारी होंगे, जबकि विकास खंडवार पर्यवेक्षण का कार्य संबंधित क्षेत्र के CEO व नगर पंचायत के CMO सहायक आयुक्त द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार सुभाष द्विवेदी JSO को सिरमौर, सुनील बोहित को मऊगंज, हनवना BLO कनौजी को जवा, नीलेश पांडे को त्योथर में 21 अक्टूबर को तथा सुनील बोहित को गगे उम्मनगवा नई गढ़ी एवं सुभाष द्विवेदी को रीवा, गोविंदगढ़, रायपुर, करछुलियान एवं गुढ़ में 22 अक्टूबर को शिविर स्थल में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। EKYC एवं मोबाइल नंबर दर्ज करने का कार्य 28 अक्टूबर से 25 नवंबर तक, EKYC का अनुमोदन एवं मौके पर सत्यापन 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक किया जाएगा। कलेक्टर ने EKYC की फीलिंग कराने के लिए प्रचार प्रसार तथा नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उक्त कार्य को समय सीमा में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराएं, कार्य में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।